सूरज इतना विशाल है कि इसमें 13 लाख पृथ्वियां समा जाएंगी। इतना गर्म है कि 1 लाख करोड़ परमाणु बम के विस्फोट से निकली ऊर्जा भी फीकी पड़ जाएगी। सूरज 460 करोड़ साल पुराना हो चुका है और इसके अगले 1000 करोड़ साल तक बने रहने की संभावना है। सूरज की सतह से थोड़ा ऊपर ही यानी फोटोस्फेयर का तापमान करीब 5500 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये तो रही फैक्ट्स की बात, अब सवाल ये उठता है कि आखिर आदित्य L1 कैसे पिघलेगा नहीं और सूरज पर लगातार मॉनिटरिंग करता रहेगा। दरअसल सूरज के ऊपर इतना तापमान रहता है कि यहाँ किसी यान या स्पेसक्राफ्ट के जाने की संभावना नहीं है। धरती पर इंसानों द्वारा बनाई गई कोई भी वस्तु यहाँ सूरज की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसीलिए स्पेसक्राफ्ट को सूरज से उचित दूरी पर रखा जा रहा है या फिर उसके आसपास से गुजर रहा है। इसरो 2 सितंबर 2023 को सुबह 11:50 पर आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया। ये भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित ऑब्जर्वेटरी है। आदित्य L1 सूरज से इतनी दूरी पर है कि ये इसकी गर्मी भी बर्दाश्त कर पा रहा है और ना खराब हो पा रहा है। लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से हुई। इस यात्रा के दौरान आदित्य L1 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करेगा, यानी ये सूरज से 14.85 करोड़ किलोमीटर दूर रहेगा। 15 लाख किलोमीटर की दूरी मतलब चांद से कुछ 4 गुनी ज्यादा है। अब जहां पर स्पेसक्राफ्ट को प्लेस किया जाएगा उस जोन का नाम है L1। सूरज की अपनी ग्रेविटी है यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति, धरती की अपनी ग्रेविटी है। अंतरिक्ष में जहां इन दोनों की ग्रेविटी आपस में टकराती है या यूं कहें जहां पर धरती की ग्रेविटी का असर खत्म हो जाता है, वहां से सूरज की ग्रेविटी का असर शुरू होता है। इसी बीच का एक पॉइंट है लैग्रेंज पॉइंट 1। धरती और सूरज के बीच ऐसे 5 लैग्रेंज पॉइंट है। भारत का सूर्यान लैग्रेंज पॉइंट 1 पर तैनात होगा। दोनों की ग्रेविटी की जो सीमा है वहाँ कोई भी वस्तु लंबे समय तक रह सकती है। ये दोनों की ग्रेविटी के बीच फंसी रहेगी, इससे स्पेसक्राफ्ट का ईंधन भी कम इस्तेमाल होता है और ज्यादा दिन तक काम करता है।